बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। आज हम इंग्लिश बुक टू के लेसन नंबर 3 व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके राइटर का नाम है हर्बर्ट ई हॉक्स। हर्बर्ट ई हॉक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले वो एक अमेरिकन मैथमेटिशियन था, डीन रहा है कोलम्बिया कॉलेज न्यूयॉर्क का, एक्सपीरियंस एजुकेटर था। फिर उसने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था कॉलेज वर्स द यूज़। फ़र्स्ट हैंड नॉलेज होने के हवाले से, फ़र्स्ट हैंड नॉलेज किस चीज़ का था? बॉयज़ प्रॉब्लम्स का फ़र्स्ट हैंड नॉलेज था। इस वजह से उसने जो है कॉलेज वर्स द यूज़ में एक हिस्सा जो है वो उन बच्चों के नाम किया जिनको कॉलेज में मुश्किलात का सामना होता है। उन प्रॉब्लम्स को उसने डिस्कस किया और उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी दिए। उनमें से चंद प्रॉब्लम्स ये थी कि बच्चे कॉलेज में फ़ेल क्यों होते हैं, उनके नाकामी की वजूहात क्या हैं। इस लेसन में वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज को कॉलेज वर्स द यूज़ से ही लिया गया है और इसमें जो है वो रीजंस ऑफ फेलियर को डिस्कस कर रहा है। रीजंस ऑफ फेलियर कौन कौन सी हैं? 7 मुख्तलिफ़ किस्म के रीजंस जो हैं वो डिस्कस कर रहा है, जिसमें नर्वस हैबिट्स है, मिस्टेकन एम्बिशन है, ओवर कॉन्फिडेंस है, इसके अलावा हेल्थ इशूज़ हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फिर जो है वो स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहा है, फिर लेजी ब्लफर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये 7 मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ हैं जो कोशिश करती हैं, कभी कोशिश करती हैं और कभी कोशिश नहीं करती हैं, और उस सूरत में जो है उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो 2 तरह की कैटेगरीज़ को इन 7 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में उसने डिवाइड किया है। सबसे आखिर पर वो डीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि डीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो ये है कि उसने जो है वो हर चीज़ को लुक आफ्टर करना है, अपने स्टूडेंट्स की मुश्किलात का जायज़ा लेना है कि उनको कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है, उन चीज़ों को उनका सलूशन देना है। अब क्या है कि नर्वस इन सब सारी चीज़ों को एक थोड़े से टाइम में डिस्कस कर लेते हैं, ओवरव्यू उनका ले लेते हैं कि आखिर ये टॉपिक्स जो हैं वो किस बैकग्राउंड में वो डिस्कस कर रहा है। नर्वस हैबिट्स को सबसे पहले देखें तो नर्वस हैबिट्स के बारे में बात कर रहा है कि ऐसे इश्यूज होते हैं बच्चों के अंदर कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते किताबों पर, पढ़ाई की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनका लेवल ऑफ अटेंशन जो है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो फेलियर का शिकार होते हैं। उसके सोल्यूशन क्या दे रहा है राइटर, इसका जिक्र जो है वो लेसन में किया गया है, जो हम आइंदा लेसन जब नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। फिर मिस्टेकन एम्बिशन की बात कर रहा है, मिस्टेकन एम्बिशन कौन से हैं? पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पर अपना दबाव डालते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं उनकी लाइफ में, उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन में जो है वो इंटरफेरेंस उनकी होती है कि वो जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सब्जेक्ट पढ़ें। इसका नुकसान ये होता है कि उनकी जो एबिलिटीज़ हैं और उनके जो इंटरेस्ट हैं वो दब जाते हैं और वो जो है वो फेल होते हैं। फिर ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें कि ओवर कॉन्फिडेंस किस तरह से लीड कर रहा है फेलियर को। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चे, और जब ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं अपने एबिलिटीज़ पर, वो बहुत ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर देते हैं कि वो इस काबिल हैं कि वो फौरी तौर पर जो है वो चीज़ों को पिक करेंगे और बहुत अच्छे तरीके के साथ, आसानी से, थोड़ी सी कोशिश के साथ, आसानी के साथ वो हर लेवल को क्रॉस कर लेंगे, पार कर लेंगे। ये चीज़ जो है वो उनको ले डूबती है और वो नाकामी का सामना करते हैं। फिर हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करें, मेंटल और फिज़िकल सिकनेस जो है वो भी लीड करती है बच्चों के फेलियर की तरफ, लेकर जाती है बच्चों को। बच्चे मेंटली अपसेट रहते हैं जिसकी वजह से वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे सकते। उसके बाद वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है कि पेरेंट्स इस काबिल नहीं होते कि वो बच्चों की भारी फीसें अदा कर सकें, वो बच्चों को फ्री हैंड दे देते हैं कि वो खुद जाएं कमाएं भी और अपनी पढ़ाई के अखराजात भी पूरे करें। फिर ये 2 कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है, वो बच्चा भी अल्टीमेटली फेलियर की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट जो है वो स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहा है कि स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ को वो फेवर भी कर रहा है, राइटर जो है वो इसको फेवर भी कर रहा है कि अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, हेल्पफुल है, लेकिन अगर इस चीज़ का नाजायज़ या फिर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो जो है वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है और स्टूडेंट हो तो उसकी स्टडीज़ पर भी अच्छा खासा असर डालती है। और जब स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ स्पोर्ट्स और लिटरेरी एक्टिविटीज़ ही की तरफ चले जाएंगे, ये की तरफ चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो लेज़ी ब्लफर्स के बारे में बात करें, वो बच्चे
जो एमलेस होते हैं, जो एमलेसली सारा काम कर रहे होते हैं, कॉलेज में आते हैं उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने आगे जाकर किस फील्ड में, किस फील्ड को ज्वाइन करना है, उन्होंने क्या बनना है, बिल्कुल बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं वो कोशिश ही नहीं करते कामयाब होने की, तो कोशिश नहीं करेंगे तो वो जाहिर सी बात है नाकामी उनके मुकद्दर में होगी। ऐसे बच्चों के लिए राइटर क्या सोल्यूशन दे रहा है उसका भी हम जिक्र करेंगे टेक्स्ट पढ़ते हुए, लेसन पढ़ते हुए। फिर जो है वो एंड पर वो डीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है कि डीन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी हम जो है वो नर्वस हैबिट्स की तरफ मूव कर रहे हैं कि नर्वस हैबिट्स क्या हैं, उनको उसको एक दफ़ा डिटेल में लेसन में भी पढ़ लेते हैं और उसका एक डिटेल स्टडी भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, नर्वस हैबिट्स को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। नर्वस हैबिट्स में राइटर बात कर रहा है कि स्टूडेंट जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि आप अपने जो है वो अटेंशन डिवेल्प करो, उसको बढ़ाओ। तो कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से उसकी ख़त्म होती है, लैक ऑफ अटेंशन किस तरह से ख़त्म होती है कि वो पेंसिल शार्प करना शुरू कर देगा, वो बुक्स को अरेंज करना शुरू कर देगा, जैसे कि ऐसे में बताया गया है। ऐसे की फोर्थ लाइन में राइटर, फर्स्ट पैराग्राफ है जिसकी फोर्थ लाइन में ये बता रहा है, राइटर हमें बता रहा है, कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क इट ही फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट अ डेस्क एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड। कॉन्सेंट्रेट मीन्स टू पे अटेंशन, यानी वो उसके लिए डेस्क पर बैठना और वो काम जो उसको दिया गया है उस पर अटेंशन अपनी डाइवर्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसके जहन में और बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट कर रही होती हैं। फिर आगे जो है वो इसी पैराग्राफ में वो नर्वस हैबिट्स को अपरूट किस तरह से किया जा सकता है, ख़त्म किया किस तरह से किया जा सकता है, सोल्यूशन दे रहा है वो इस चीज़ का। एट्थ लाइन में, इसी फर्स्ट पैराग्राफ की एट्थ लाइन में लिखा हुआ है बुक पर, टेक्स्ट बुक पर, सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट एंड सो फार एज आई कैन सी कैन नॉट बी इरेडिकेटेड बाई एनी वन बट द बॉय हिमसेल्फ। कि इस तरह की नर्वस हैबिट्स ख़त्म करना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन लड़का वो स्टूडेंट खुद आसानी से कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अंदाज़ा होगा कि वहाँ कहाँ पर उसके जो है वो कमी आ रही है, किस जगह पर जो है वो बैठकर, किस जगह पर जो है वो उसको कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो कहाँ से इंक्रीज़ करना है। तो वो जो है वो सिर्फ खुद इस पर को ख़त्म कर सकता है। फिर टेंथ लाइन में वो कह रहा है, द बॉय मस्ट टेक हिमसेल्फ बाय द कॉलर एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट अ पॉइजन काम। इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि अपने अंदर एक सूदिंग इफेक्ट लेकर आए, पुरसकून अपने आप को करे, अपनी जो नेचर जो है वो उसको पुरसकून करे, कि जहाँ पर बैठा है वहाँ पर बैठा रहे, टिककर बैठा रहे और जो भी काम करने बैठा है उसको मुकम्मल तवज्जो के साथ करे, उसमें किसी भी किस्म का, किसी भी चीज़ का अमल दखल ना लेकर आए। तो वो जो है वो अपने अंदर ये नर्वस हैबिट्स को ख़त्म कर सकता है। इस पैराग्राफ में चंद एक वर्ड्स हैं जो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखती हैं कि इम्पॉर्टेंट हैं, सिनोनिम्स जिनके आ सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से। नेटिव मींस लोकल, कॉन्सेंट्रेट मींस टू पे अटेंशन, इरेडिकेट का मतलब होता है खुरचना, किसी चीज़ को निकाल देना, बाहर निकाल देना, रिमूव्ड ख़त्म कर देना। कल्टिवेट टू ट्राई टू डिवेल्प, ट्राई टू डिवेल्प समथिंग पॉजिटिव इन दिस सेंस। जी स्टूडेंट्स, रीजंस ऑफ फेलियर में अब हम नेक्स्ट टॉपिक मिस्टेक एंड एम्बिशन की तरफ मूव करेंगे। मिस्टेक एंड एम्बिशन, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि ऑन द बिहाफ ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के बिहाफ पर कैसे, कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, वो बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं रिगार्डलेस बच्चा उनका कोई आर्टिस्ट बनना चाह रहा है या थिएटिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना चाह रहा है या किसी और फील्ड में, जैसा कि बहुत सारी फील्ड्स अब मौजूद हैं। तो पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चा अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से बाहर निकल जाता है। जब फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से बाहर निकल जाता है तो उसके लिए फेलियर अल्टीमेट रीज़न बन जाता है कि वो फेल हो जाएगा, वो नाकाम हो जाएगा। पैराग्राफ के बिल्कुल सेकेंड लाइन में राइटर हमें बता रहा है, लिख रहा है इस ऐसे में,
आई सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन, आई फाइंड अ बॉय हु इज नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क एंड हु इज नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन बिकॉज ही इज फॉलोइंग अ डायरेक्शन मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स। यानी एक बच्चा वो कह रहा है कि मुझे एक ऐसा बच्चा मिला, एक ऐसा स्टूडेंट मुझे मिला जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहा था, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा था। वो क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करना चाहता, हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट, वो वैसा करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। कर सकता था लेकिन करना नहीं चाह रहा था, क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक कुछ और प्लान कर लिया था, उसके पेरेंट्स उसको एक नई रास्ते पर, एक नई पटरी पर चलाना चाहते थे जबकि वो किसी और रास्ते पर चलना चाह रहा था, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया उसमें। That runs counter to all of his interests and abilities. और ये जो उसके पेरेंट्स की तरफ से मैपिंग की गई थी, प्लान किया गया था कि उसके लिए ये फील्ड ज़्यादा बेहतर है, इसने उसके अंदर इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया, उसकी सारी की सारी काबिलियत जो है वो दब गई। फिर राइटर जो है वो मज़ीद आगे बात कर रहे हैं, द बॉय मस्ट ट्राई टू कन्विंस। इस सूरत में बच्चे को क्या करना चाहिए? बच्चे को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए, कॉन्ट्रोवर्सीज रखें, आर्ग्यूमेंट्स रखें, जिसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने हक में ज़्यादा बेहतर तरीके से दलाल दे सकता है, आर्ग्यूमेंट कर सकता है, उसमें बच्चे को ही जीतना चाहिए अकॉर्डिंग टू राइटर। और फिर वो कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है उसकी तरफ से अगर वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता है। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि फितरत जो है वो हमेशा बेहतर नतीजे लेकर आती है। देन इसी पैराग्राफ की सेकंड पैराग्राफ की 12th लाइन में अगर हम आएँ तो वो इस बात को रिपीट कर रहा है, इसी बात को बयान कर रहा है, एज अ जनरल थिंग द बॉय विंस आउट इन सच कॉन्ट्रोवर्सीज एंड ही शुड, उसे जीत जाना चाहिए कॉन्ट्रोवर्सीज में, जाना चाहिए उसको और उसे जीतना भी चाहिए, उसके पेरेंट्स को जो है वो उसकी बात माननी चाहिए। फिर उसमें जो है वो एक मज़ीद वो बात जो है वो ऐड कर रहा है, वो क्या है कि कॉलेज का अमल दखल इसमें कितना है, कॉलेज का अमल दखल इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो कैसे? कि कॉलेज अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करें, काउंसलिंग सेशंस रखें, उसमें क्या होगा कि वो बच्चे की नेचुरल इंस्टिंक्ट को देखते हुए पेरेंट्स को माइल करने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा काम करें, वो इसके लिए स्टेप्स चूज़ करें, वो फील्ड चूज़ करें जो इसके इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के इक्विवेलेंट है। तो 16th लाइन है सेकंड पैराग्राफ की जिसमें वो कह रहे हैं इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव टू इट्स वर्क, अगर कॉलेज अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव है ऑफ एडवाइस कि वो नसीहत करे, सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज़ कम्प्लीट। फिर क्या होता है कि नाकामी होने से पहले इस नाकामी को ख़त्म किया जा सकता है, यानी बच्चे को हम सक्सेस की तरफ गामजन कर सकते हैं, वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है बहुत आसानी के साथ। इस पैराग्राफ में लेसन नंबर 3 व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज के सेकंड पैराग्राफ में ये वर्ड्स हैं, मैप्ड आउट मीन्स प्लान्ड, रन्स काउंटर मीन्स गो अगेंस्ट, इंटेंट का मतलब होता है विश, ख्वाहिश करना, कॉन्ट्रोवर्सीज का मतलब होता है दिलाई देना, आर्ग्यूमेंट करना, डिटेस्ट हेट। डिटेस्ट का जहाँ पर ये आया वो एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे रहा है राइटर, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे रहा है कि एक ऐसा बच्चा जो कोई चीज़ ख्वाहिश ही नहीं करता, जिसे इसको नफ़रत है वो उसको खा नहीं सकता, उसे निगल नहीं सकता, हम नहीं कर सकते। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है आप उसको खाएंगे नहीं, आप उसको निगलेंगे नहीं, बल्कि उसको रिफ्यूज़ कर देंगे, उसको इग्नोर करेंगे। तो डिटेस्ट मीन्स हेट एंड अलाइव मीन्स एक्टिव, यानी एक्टिव रोल प्ले करे कॉलेज तो हम फेलियर को रोक सकते हैं। अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करें इस ऐसे के, जो कि ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस किस तरह से लीड करता है फेलियर को? एक स्टूडेंट है जो स्कूल में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करता रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स देता रहा है, एक अच्छे लेवल पर रहा है, लेकिन जब कॉलेज आता है तो उसको कॉलेज की रियल एप्लीकेशन का इल्म नहीं होता। वो ये समझते हैं कि जितनी आसानी से वो स्कूल के दौर को क्लियर कर गया है, वहाँ से गुजर गया है, उतनी ही आसानी से वो कॉलेज का दौर भी गुजार लेगा,
टाइम गुजार लेगा, अच्छे मार्क्स दे लेगा, डिग्री उसके हाथ में आ जाएगी और वो आगे जो है वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकता है। लेकिन वो इस बात से बेखबर रहता है कि उसका लेवल अपग्रेड होने के साथ साथ उसको अब मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो वो ये सोचता है कि ही कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज विद लिटिल एफर्ट। लिटिल एफर्ट क्या, कि वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव माइंड होता है। रिसेप्टिव माइंड का मतलब है कि जो बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर लेता है। ऐसा जहन बच्चे होते हैं जो फौरी तौर पर जो है चीज़ों को पिक कर लेते हैं। ये चीज़ें, ये ओवर कॉन्फिडेंस उसके अपने ऊपर उसको जवाल की तरफ ले जाता है। फिर क्या होता है, ये जो कैटेगरी है ओवर कॉन्फिडेंस की जो कैटेगरी है वो उसको सेकेंड कैटेगरी में फॉल कर रहा है। वो जो पहले हमने दो कैटेगरीज का जिक्र किया था कि दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, ये वो हैं जो कर सकते हैं लेकिन करते नहीं, सेकेंड कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं ये। कि हम जो है वो बहुत आसानी से कॉलेज को गुजार लेंगे, कॉलेज में उतने ही अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो हम आगे चले जाएंगे। सॉल्यूशन दे रहा है राइटर ये कि एंटायर चेंज इन एटीट्यूड इज़ रिक्वायर्ड, कि एटीट्यूड मुकम्मल तौर पर बच्चों को अपना तब्दील करना चाहिए। ऐसे बच्चे जो कर सकते हैं और ना करें बहुत पिटिएबल हैं, काबिल रहम है, क्योंकि वो कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब उनको चाहिए कि अपने अंदर जो है वो ये चीज़, इस चीज़ को ख़त्म करें कि वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव माइंड है। उनको हर चीज़ को अच्छे तरीके से लेना है, अपने जहन में नक्श करना है, फिर ही वो कामयाब हो सकते हैं। थर्ड लाइन में वो इस बारे में जिक्र कर रहा है, थर्ड पैराग्राफ ऐसे किया का थर्ड पैराग्राफ वो थर्ड लाइन है जिसमें राइटर ये कह रहा है कि ही सुपोजेज दैट ही कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज विद एज लिटल एफर्ट एज ही डिड थ्रू स्कूल। जितनी ही उसने थोड़ी सी कोशिश स्कूल में की थी उतनी ही थोड़ी कोशिश के साथ वो कॉलेज को भी पास आउट कर लेगा। आई समटाइम्स थिंक दैट द ब्राइट बॉय हु हैज ऑलवेज डिपेंडेड ऑन हिज एबिलिटी टू गेट थिंग्स क्विकली इज द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल आवर फेलिंग स्टूडेंट्स। कि जितने भी नाकाम तलबा हैं उनमें से ये सबसे पिटिएबल कैटेगरी है, क्योंकि ये जो हैं अपनी एबिलिटी पर बहुत ज़्यादा इन्हसार कर रहे होते हैं। एबिलिटी किस बात की, काबिलियत किस बात की, कि वो जो चीज़ सुनेंगे जो चीज़ देखेंगे उसको पिक कर लेंगे, वो उनके ज़ेहन नशीन हो जाएगी। देन वो नेक्स्ट लाइन की तरफ जा रहा है, फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रेजेडी टू सी ऑल ऑफ दिस कीननेस गोइंग टू वेस्ट एंड टू फील दैट द एंटायर अपॉर्चुनिटी विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफर इज पास्ड अप बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड। कॉलेज ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको दी कि वो अच्छी तरीके से अपने जहानत का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते। पास्ड अप मीन्स नॉट यूज्ड, जिसका इस्तेमाल ना किया जाए, नॉट यूटिलाइज्ड। तो वो उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं करते, उसको यूज़ नहीं करते अपने रिसेप्टिव माइंड होने की वजह से। अब इसका सोल्यूशन क्या दे रहा था, क्योर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अगेन नॉट ईजी। पहली नर्वस हैबिट्स पे राइटर ने कहा था कि इसका क्योर इजी नहीं है, अब ओवर कॉन्फिडेंस पर वो कह रहा है कि इसका इलाज आसान नहीं है। फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेट्स ऑफ हैबिट्स। हमें अपनी हैबिट्स को मुकम्मल तौर पर चेंज करना है। नर्वस हैबिट्स में भी हमने अपने हैबिट्स को मुकम्मल तौर पर चेंज करना था, यहाँ पर भी हमें अपनी हैबिट्स को मुकम्मल तौर पर, आदत को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना है। No one can do but this but the boy himself. All that the rest of us can do is to point out what is the matter. सिर्फ वो बच्चा खुद इसको ख़त्म कर सकता है, बाकी जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उनका काम सिर्फ ये है कि उन्होंने उसको पॉइंट आउट करना है कि कहाँ पर उसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दो ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स इस पैराग्राफ में है, फ्लोट थ्रू मीन्स गो थ्रू और पास्ट अप मीन्स नॉट यूज नॉट यूटिलाइज, जिस चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए। फिर आगे इसी ओवर कॉन्फिडेंस को से नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हुए हेल्थ इश्यूज़ की तरफ जा रहा है राइटर। हेल्थ इश्यूज़ को किस तरह से डिस्कस कर रहा है कि फिज़िकल और मेंटल सिकनेस होती है बच्चों में, फिज़िकली और मेंटली वो डिस्टर्ब होते हैं तो उसकी वजह से बच्चे पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे सकते। फिर दूसरी बात आगे वो मज़ीद कह रहा है कि स्टाफ और डॉक्टर, कॉलेज डॉक्टर के अंदर जो है वो बहुत अच्छी कोऑपरेशन होनी चाहिए, यानी जो स्टूडेंट के टीचर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनका कॉलेज डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन हो,
और वो कॉलेज डॉक्टर या जो साइकेट्रिस्ट है वो उनको बताए कि इन बच्चों में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसे में राइटर ने कुछ चंद चीज़ा बीमारी को जिक्र किया है, ट्यूबरक्लोसिस का, बैड टॉन्सिल्स का, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन और बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफ़िकल्टीज़। इन सारी चीज़ों का जिक्र करते हुए ये कह रहा है कि ये हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो कॉज कर सकते हैं फेलियर को। फिर एक वो इसमें बात बता रहा है, एक किस्सा बता रहा है, 12th लाइन है इस पैराग्राफ की, 4th पैराग्राफ की 12th लाइन है। Occasionally one meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to the operation. अब वो एक ओल्ड फैशन पेरेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि एक दफ़ा ऐसे वालदेन से मेरा मिलना हुआ जिनके बच्चे को टॉन्सल्स का मसला था, टॉन्सल्स वो रिमूव करना चाह रहे थे, उनको इस बात की ऑप्शन दी गई, उनको बता कहा गया कि विदाउट एक्सपेंस, विदाउट एनी चार्जेस उसके बच्चे के टॉन्सल्स को जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन वो इसके लिए रजामंद नहीं थे, कॉन्सेंट नहीं था उनका, वो एग्री नहीं थे कि इसको रिमूव किया जाए। वो क्यों एग्री नहीं थे? राइटर कहते हैं कि वो इसलिए एग्री नहीं थे कि ही असर्टेड दैट अल्लाह पुट दोज़ टॉन्सिल्स इन हिज सन्स थ्रॉट फॉर सम गुड पर्पस एंड दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल। के जो चीज़ भी इंसान के अंदर है, इंसान को अल्लाह ने बनाया है, और अगर हमारे बच्चे के को टॉन्सिल्स का मसला है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है, अल्लाह की देन है, तो उसमें जो है वो हम इसको रिमूव नहीं करवा सकते, हम इसको रिमूव करवाएंगे तो उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। प्रेजुडिस थॉट्स थी जिसकी वजह से वो जो है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट लेते थे। तो राइटर का कहना ये है कि डॉक्टर और टीचर के दरमियान, स्टाफ के दरमियान जो है वो एक अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि वो इन चीज़ों को ख़त्म कर सकें, इन चीज़ों को देख सकें। नेक्स्ट आगे वो बात बता रहा है कि नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ, कह रहे कि स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए, हमें स्टूडेंट्स के को बताना चाहिए कि सेहत का कोई मुतबादल नहीं है, अल्टरनेट नहीं है, सब्स्टिट्यूट मीन मुतबादल, अल्टरनेट, यानी अगर सेहत नहीं होगी तो वो कोई काम नहीं कर सकेंगे। सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि ज़िंदगी के और भी बहुत सारे अगर पहलुओं को देखा जाए तो सेहत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। इस पूरे पैराग्राफ में, फोर्थ पैसेज में चंद एक ये वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स लिखे हैं, एडिक्वेट मीन्स सफिशेंट, अंडरगो सफिशेंट मीन्स काफ़ी, अंडरगो एक्सपीरियंस तजर्बा करना, एनलाइटनमेंट खुशी देना। राइटर एनलाइटनमेंट के बारे में वर्ड यूज़ करते हुए कह रहे हैं कि जब बच्चे ठीक होते थे, उनके हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म होते थे, तो वो चीज़ जो है वो हमें खुशी देती थी। Asserted means affirmed. Affirmed means जोर देना किसी चीज़ पर, bring it to bear, to apply, उसको लागू करना कि जो चीज़ भी है उसको लागू किया जाए ताकि काम आसान हो सके और बच्चे के फेलियर को कंट्रोल किया जा सके। आज हमने स्टूडेंट्स चार टॉपिक्स को इस पूरे लेक्चर में कवर किया है, नर्वस हैबिट्स को, मिस्टेकन एम्बिशन को, ओवर कॉन्फिडेंस और फोर्थ वन हेल्थ इश्यूज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में अगले चार टॉपिक्स जो के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, लेजी ब्लफर्स और एट द एंड डीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इन चारों टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, और कुछ जो हैं वो इसी तरह से सिनोनिम्स का भी, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स का भी जिक्र किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।